हेलो एवरीवन, आज की ट्रेनिंग में आप सबका वेलकम है। मेरा नाम श्वेता राय है, हार्वेस्ट की प्रोडक्ट ट्रेनर हूँ और आज हम अपने पर्सनल केयर रेंज में दो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट लेकर आए हैं जो हमारे डेंटल हेल्थ को अच्छा रखता है। जितने भी लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी कोई कंपनी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेगी तो आपको उसके नोटिफिकेशन इस चैनल के थ्रू मिल जाएंगे। हम सब यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए आए हैं और प्रोडक्ट ट्रेनिंग की अगर बात करें, मैं हमेशा कहती हूँ हमारे एक एक प्रोडक्ट्स जो मार्केट के प्रोडक्ट से बहुत डिफरेंट है, हमारे एक एक प्रोडक्ट को यूनिक बनाया गया है, चाहे वो हेल्थ केयर की बात करो या चाहे वो पर्सनल केयर की बात करो। इसीलिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमारे सारे प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप मार्केट में जब लेकर कोई प्रोडक्ट जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो मार्केट के प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं है। इसीलिए ये सारी जो ट्रेनिंग्स है वो कौन लेकर आता है, वो हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, ये जो हमारा एजुकेशन हमारा जो पैनल है वो आपको ये सारी ट्रेनिंग्स लेकर आती है। हार्वेस्ट कहता है जब आप लर्न करते हो तो ही तो लाइफ में पैसा आता है। इसीलिए इस बिजनेस में अगर आपको ग्रो करना है माय डियर फ्रेंड, तो आपको लर्न करना पड़ेगा। इसीलिए हार्वेस्ट बहुत सारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स आपके लिए ऑर्गेनाइज करती है। आप जितना कंपनी से जुड़े रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। हमारा एक फेसबुक पे पेज है, इस पेज को लाइक करें, बहुत सारी कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस फेसबुक पेज से मिलेगा। अभी हमने लास्ट कुछ दिनों में हमने अपने हेल्थ केयर के रिलेटेड प्रोडक्ट्स देखे थे जो आयुर्वेदा पे बेस्ड है और ये ब्रांड जो एलिमेंट्स वेलनेस है उसके बारे में हमने स्टडी किया। अब हम जो ब्रांड लेकर आए हैं, जो एलिमेंट्स वेलनेस का जो हमारा ब्रांड है उसका हम पर्सनल केयर लेकर आए हैं। मतलब हमारे पास एलिमेंट्स में बहुत बड़ा एक एंटायर पर्सनल केयर रेंज है। कल हमने तीन प्रोडक्ट के बारे में देखा और अभी हम आज दो प्रोडक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन बात करेंगे। इनके बारे में बताने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी डॉक्टर केसी गवर्धन सर से। ये हमारे पर्सनल केयर और जो होम केयर में आप जितने भी प्रोडक्ट देखते हैं उसके प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है। इनका जितना एक्सपीरियंस है बहुत लोगों की उतनी एज भी नहीं होगी, 45 ईयर्स से ज्यादा इनका एक्सपीरियंस है पर्सनल केयर का। मतलब इन्होंने अपनी लाइफ के 45 ईयर्स पर्सनल केयर के रेंज को ही प्रोडक्ट्स को डेवलप किया है। डाबर, हिंदुस्तान लिवर, वेलसारा जैसी कंपनीज में इन्होंने बहुत ही अच्छी पोजिशन पे रहकर इन्होंने वर्क किया है। IIT से इन्होंने अपना PhD किया है और पर्सनल केयर रेंज की जो कैटेगरी है उसमें इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है माय डियर फ्रेंड, और बहुत सारे पैनल्स में इन्होंने एज अ साइंटिफिक एक्सपर्ट भी ये काम कर रहे हैं। तो ऐसी पर्सनालिटी आज हमारे प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रही है, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ऐसे लोग आज हमारे प्रोडक्ट्स को डिजाइन कर रहे हैं और उनका इतने सालों का एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है। हमारे जो हेल्थ केयर ब्रांड है एलिमेंट्स वेलनेस का, उसको बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2019 का रिकॉग्निशन मिला है। और अब हम बात करेंगे अपने पर्सनल केयर के बारे में। तो मैं इसको हमेशा स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ, एक इंसान को क्या चाहिए। एक इंसान चाहता है मैं अच्छा फील करूँ। अच्छा फील का मतलब है वो हेल्दी महसूस करना चाहता है, वो स्वस्थ महसूस करना चाहता है। लेकिन उसके साथ साथ हर एक इंसान की एक ख्वाहिश और भी होती है कि मैं अच्छा दिखूं। बात करूं अगर अच्छा फील करने की, तो उसपे हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया। अब हम बात कर रहे हैं अच्छा दिखना क्यों जरूरी है, इसके लिए हमारी कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेकर आई है। मैं हमेशा एक चीज पूछती हूँ, आप जब किसी को पहली बार देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या चीजें नोटिस करते हैं? सबसे पहले आप उसका फर्स्ट इंप्रेशन नोटिस करते हैं। कहते हैं यू नेवर गेट अ सेकेंड चांस टू क्रिएट योर फर्स्ट इंप्रेशन। जब भी आप किसी को देखते हैं वो स्टार्टिंग के जो 5 से 10 सेकेंड्स होते हैं ना, वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनाने में मदद करते हैं। तो अगर आपकी स्किन अच्छी है, आपके बाल अच्छे हैं, आपकी स्माइल अच्छी है, आपने अच्छे से ड्रेसअप किया, वेल ग्रूम्ड है, तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा वो हमेशा ही अच्छा होता है। इसीलिए आपके इस फर्स्ट इंप्रेशन को अच्छा रखने के लिए हमारी कंपनी ने एक बहुत बड़ा पर्सनल केयर का रेंज लाया है। लेकिन इस पर्सनल केयर रेंज को समझने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको FMCG मार्केट का दूंगी। FMCG मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। मतलब ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा मार्केट में बिक रही है। आज फोर्थ लार्जेस्ट सेक्टर इसको बोला जाता है, और बोला जाता है पर्सनल केयर का जो मार्केट है वो आज जितना भी टर्नओवर देखा जाता है उसका 50% जो मार्केट है वो पर्सनल केयर का देखा जाता है। और आपको पता है सबसे शॉकिंग बात क्या है, ये जितना भी टर्नओवर है उसका 45% आज इंटीरियर एरियाज, रूरल एरिया से आ रहा है, गांव वगैरह जैसी एरिया से आ रहा है। मतलब लोगों की जरूरत वहां पे भी है, लोग आज गांव में भी ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, उनको पता है वो भी इन सब चीजों में उनकी जरूरत है। तो हमारा एक बहुत बड़ा मार्केट है, हेल्थ केयर से बड़ा मार्केट आज पर्सनल केयर का देखा जा रहा है। इसको आप तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक फूड इंडस्ट्री हो गया, हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो गया जिसमें हमारे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, और तीसरा है हमारा पर्सनल केयर जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। पर्सनल केयर का अगर थोड़ा सा मैं फर्दर डिवाइड करूं तो इसका बहुत बड़ा मार्केट है।
अगर बस स्किन केयर की बात करूं तो 11,000 करोड़ का मार्केट स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट पे, बालों को अच्छा रखने का जो मार्केट है उसका मार्केट 23,000 करोड़ का है, और हमारे दांतों को अच्छा रखने के लिए, हमारे ओरल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए 14,000 करोड़ का मार्केट है। इसीलिए हमारी कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम कोई ऐसे ब्रांड्स को लेकर जाएं, और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स को लेकर अगर हम जाएंगे तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास अपने बिजनेस को बढ़ाने का एक अच्छा मौका मिलेगा। मैं हमेशा की एग्जाम्पल देती हूँ, आज बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी क्या कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। ऐश्वर्या राय लक्स साबुन का ऐड कर रही है, लक्स सोप का ऐड कर रही है, मुझे नहीं पता कि वो लगा रही है नहीं लगा रही है, लेकिन अगर श्वेता राय आपको फेस वॉश के बारे में बता रही है तो वो डेफिनेटली आपको यूज कर रही है तो ही आपको बता पा रही है। कहने का मतलब क्या है, हम इन सारे प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं, ब्रांड एम्बेसडर जैसे हम इन सारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या लेने वाले हैं, एलिमेंट्स वेलनेस की जो सारे हमारे पर्सनल केयर के रेंज है उनको हम आज बात करेंगे। उसमें हमने आज का जो दिन सेलेक्ट किया है वो है ब्राइट स्माइल डे, मतलब आपके ओरल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमारी कंपनी दो तरीके के एलिमेंट्स के टूथपेस्ट लेकर आई है। पहला है हमारा रेड टूथपेस्ट और दूसरा है हमारा फ्रेशोगार्ड टूथपेस्ट। तो इन दोनों चीजों को आज हम डिटेल में जाकर बात करेंगे। सबसे पहले अब दांत के ऊपर प्रोडक्ट समझ रहे हैं तो दांत क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा समझना चाहिए। तो अगर हम दांत की बात करेंगे तो दांत हमारी बॉडी में एक ऐसा पार्ट है जिसका जो ऊपर का जो लेयर है जिसको हम इनेमल कहते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे हार्डेस्ट पार्ट माना जाता है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, आपको मैं बेसिक में समझाती हूँ। जैसा आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं ऊपर की जो हमारी दांत की परत होती है उसको हम इनेमल कहते हैं, जो सबसे हार्ड पार्ट माना जाता है। जब हम खाने को चबाते हैं या उसको जब भी हम खाने को खाते हैं तो आपके दांत को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है आपका इनेमल। हमारे दांतों के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, आपको सारे टाइप्स में जाने की जरूरत नहीं है। पीछे के जो दांत होते हैं वो चबाने के लिए यूज होते हैं, आगे के दांत काटने के लिए यूज होते हैं, मतलब हर दांतों का आगे चलकर हर दांतों का एक फंक्शन होता है। तो बेसिकली हमारे पास 32 दांत होते हैं और सबका ख्याल रखना जरूरी है क्योंकि सबके अलग अलग काम होते हैं। लेकिन अगर बात करें ओरल हेल्थ इतना क्यों जरूरी है, कहते हैं मुंह जो है हमारा ये हमारा एक विंडो है। आपकी बहुत सारी चीजें हम दिन भर में यहाँ से बहुत सारी चीजें अंदर डालते हैं खाते हैं, तो आपका जो मुंह का जो हेल्थ है आपका जो ओरल हेल्थ है वो अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बोला जाता है हमारे मुंह में एवरेज कम से कम 500 से 600 टाइप के तो बैक्टीरिया हमारे मुंह में होते हैं, लेकिन अगर बैड बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ने लगेंगे तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी होना स्टार्ट हो जाते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रोक आ सकता है, आपके मसूड़े खराब हो सकते हैं, आपके मुंह से बदबू आ सकती है। अब कुछ लोगों को लगेगा मुंह के बैक्टीरिया की वजह से हार्ट अटैक का हार्ट की प्रॉब्लम कैसे आ सकती है, एक छोटा सा एग्जांपल दिखाती हूँ। आपके मुंह में जो बैक्टीरियाज है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, खून में चला जाता है। अगर आपको याद होगा मैंने वेल हार्ट में बताया था कि आपके हार्ट की जो ऊपर की लाइनिंग है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, किसकी वजह से, यही सारे जो बैक्टीरियाज है उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपका मुंह का हेल्थ अच्छा नहीं है तो आगे चलकर बहुत सारे बैक्टीरियाज आगे चलकर बहुत सारी बीमारियां भी आपको ला सकते हैं। इसीलिए ओरल हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम होती है दांतों से रिलेटेड, ये कुछ वर्ड है ना, ये आप सिंपल वर्ड है इसको आप समझ सकते हैं। एक होता है प्लाक, जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं, मैंने हर के आगे एक फोटो लगाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आपने खाना खाया, कहते हैं अगर खाना खाने के 60 मिनट के अगर आपके अंदर अगर आपने खाना खाया 30 मिनट के बाद आप कुछ भी ब्रश वगैरह कर लीजिए या हल्का सा अपने मुंह को अच्छे से वॉश कर लीजिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो 60 मिनट के बाद जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो प्लाक बनाने लगते हैं आपके दांतों पे, ये पीलापन जमना स्टार्ट हो जाता है। यही जो प्लाक है वो आगे चलकर बहुत सारी चीजों को लेकर आता है। यही पीलापन जो ये प्लाक है वो ज्यादा अगर जम जाता है, हार्ड हो जाता है, मिनरलाइज्ड हो जाता है तो उसको हम चाटर कहते हैं। ये जब आपके दांतों पे हो जाता है तो आपको एक प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाकर मशीन से ही उसको साफ करवाना पड़ता है। लेकिन आगे चलकर जब हम उसका और ध्यान नहीं देते तो वो आपके दांत सड़ने लगते हैं, वो और अंदर जाने लगते हैं, कैविटी बनने लगती है, क्योंकि हमारा खाना जो है वो सड़ने लग रहा है, उसमें बैक्टीरिया आने लग रहे हैं, वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं और आपके दांतों का जो इनेमल जो सबसे हार्ड पार्ट है वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। और जो आपके दांत सड़ने लगते हैं बहुत सारे लोगों में मसूड़ों की भी प्रॉब्लम देखी जाती है। हमारी जो गम्स है मसूड़े हैं उसमें आपके सारे दांत फिट हैं, तो अगर आपके मसूड़े आपके गम्स अगर हेल्दी नहीं होंगे तो आपके जो दांत है वो तो और ज्यादा डैमेज होने लगेंगे। तो आपके बहुत सारे लोगों को गम्स की प्रॉब्लम होने लगती है, मसूड़े जो होते हैं बहुत ज्यादा सूज जाते हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है, ऐसी प्रॉब्लम देखी जाती है। लेकिन बात करें बहुत सारे लोगों को आगे चलकर मुंह से बदबू भी आती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा ब्रश करके भी आते लेकिन मुंह से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। दांतों की जो परत होती है इनेमल होती है वो बहुत ज्यादा हटने लगता है और आपके दांत जो होते हैं वो अंदर से टूटने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं, तो ये सारी भी प्रॉब्लम देखी जाती है। उसके बाद
सेंसिटिविटी की एक प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन देखी जाती है, वो क्या है, ये आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये आपकी सबसे ऊपर की परत है। ये जब आपकी परत डैमेज हो जाती है, अंदर की जब लेयर डैमेज हो जाती है और आपका जो कीटाणु है, जो जर्म्स है, आपके जो दांतों में कैविटी है, वो जब इस पल्प तक पहुंच जाती है, इस पल्प पे आगे चलकर आपकी जो सिनस होती है, आपके जो नर्व्स होते हैं, वहां तक जब ये जब आपका जो कैविटी पहुंच जाता है, तब आप जब कुछ खाते हैं पीते हैं तो आपके दांतों में फीलिंग आती है, आपको ठंडा खाया गर्म खाया तो आपको फीलिंग महसूस होती है, इसको हम सेंसिटिविटी भी कहते हैं। आगे बात करें दांतों का जो कलर होता है, बहुत सारे लोगों का वो कलर जो होता है वो व्हाइट हटने लगता है, दांत स्टेन होने लगते हैं, डी कलर होने लगते हैं, जिसके कारण बहुत सारे हैं, स्मोक अगर आप कर रहे हैं, आप टोबैको खा रहे हैं, आप ड्रिंक कर रहे हैं, तो ऐसी चीजें जो होती है हमारे दांतों की जो कलर है उसको भी हटाने में मदद करती है। लेकिन बात करें आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम लोगों को हो गया है, जिसमें हमारे जो गम्स होते हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ब्रश करने के बाद दांतों से मसूड़ों से खून आने लगता है, आपके मसूड़े जो होते हैं, गम्स जो होते हैं, वो स्वेल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, बहुत ही टेंडर हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के मुंह से स्मेल आने लगती है, रिसीडिंग गम्स, इसको समझिएगा। जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, यहाँ पे आपके दांत के ऊपर तक यहाँ पे पूरे मसल्स हैं, लेकिन धीरे धीरे ये जो मसल्स हैं वो पीछे हटते जा रहे हैं, आपके दांत हिलने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है। ये आगे चलकर अगर आपने अपने दांतों का ख्याल नहीं रखते हैं तो ये आगे चल के सारी प्रॉब्लम होने लगती है, और आपके दांत जो होते हैं, आपके जो गम्स होते हैं, वो पीछे आने लगते हैं और आपके दांत शिफ्ट होने लगते हैं, वो हिलने लगते हैं, लूज होने लगते हैं। जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे दांतों पे होती है, हम क्या कर सकते हैं, हम अगर अपने प्लाक, जो वो पीलीपन चीज, पीली पीली जो चीज हमारे दांतों पे जम रही है, अगर हम उसको कंट्रोल करें तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। दो तरीके हैं, एक है कोई केमिकल्स यूज कर सकते हैं और दूसरा है मैकेनिकल, मतलब अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, वहां पे वो आपका मशीन से वो उसको ठीक कर देंगे। लेकिन अगर आप कोई केमिकल यूज कर रहे हैं तो उसका एक कुछ रिक्वायरमेंट है, वो पूरा होना चाहिए। पहला रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपके प्लाक को अच्छे से साफ करना चाहिए। दूसरा, अगर आपके मसूड़ों में, आपके गम्स में स्वेलिंग है तो उस पर भी काम करना चाहिए। दूसरा क्या है, आपके जो मुंह में बैक्टीरिया है, जो खराब बैक्टीरिया है, उसको प्रिवेंट करना चाहिए, उसको बढ़ने नहीं देना चाहिए। तीसरी चीज, हम जब ऐसे बहुत सारे केमिकल यूज करते हैं तो हमारे मुंह के जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, मतलब उस केमिकल का उस बैक्टीरिया पे कोई असर ही नहीं होता है। तो आपको कोई ऐसा केमिकल यूज करना चाहिए जो ऐसे बैक्टीरिया को होने से रोके। आगे बात करें, आपके जो मुंह के टिश्यूज है, जो मुंह की चीजें हैं, उस पर कंपैटिबल होना चाहिए, मतलब कोई हार्मफुल इफेक्ट आपके मुंह के अंदर के जो टिश्यू है उस पर नहीं करना चाहिए, और आपके दांतों को गंदा नहीं करना चाहिए, उसको स्टेन नहीं करना चाहिए। तो ये, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सस्ता होना चाहिए और आप उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। तो कोई ऐसा केमिकल जिसमें ये सारी खासियत हो, इसलिए हमारी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट में ट्राइक्लोजान यूज किया है। एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो आपको बहुत ही, शायद बहुत ही कम टूथपेस्ट में आपको ये चीज दिखेगी, ये क्या है, एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है। वो आपके जो प्लाक जम रहा है, जो पीली पीली चीजें जम रही है, उसको खत्म करता है। दूसरी चीज, आपके जो बैक्टीरिया है उसको मारने का काम करता है। बैक्टीरिया की जो ऊपर की परत होती है उसको डैमेज कर देता है, बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। तो ये ट्राइक्लोजान एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है हमारे टूथपेस्ट में। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं आरडी ऑफ टूथपेस्ट, मतलब रेडियो एक्टिव डेंटिन एब्रेशन, मतलब ये एक ऐसा टूल है जिससे डेंटिस्ट और डॉक्टर जो है वो मेजर करते हैं कि कोई टूथपेस्ट जो है वो आपके दांतों पे क्या असर कर रहा है, या कितना उसका आपके दांतों पे असर है। जैसे अगर आपका टूथपेस्ट जो बच्चों का टूथपेस्ट होता है, उसका ये एब्रेशन जो आपका ये मार्क है आरडीए, वो कम होता है। मैक्सिमम जो एफडीए ने रिकमेंड किया है वो बोला है 250 के ऊपर अगर किसी टूथपेस्ट का ये आरडीए है तो वो हार्मफुल होता है, आपके दांतों को डैमेज करता है। दांत अलग अलग तरीके से सड़ते हैं, पहले ऊपर की हल्की सी लेयर खराब होती है, वो थोड़ा सा आपके डेंटाइन तक जाता है, उसके बाद फिर आपके पल्प तक अगर जाता है, जहां पे नसें होती हैं, तब आपको दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, और जब ये और अंदर चला जाता है तो वो ज्यादा पेनफुल स्टेज हो जाता है। इसीलिए अगर बात करें, हमारी कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लेकर आया है जो आपके दांतों पे काम करता है। लेकिन अगर बात करें, जब आप ऐसे दो दांत देखते हैं तो सबसे पहले आपको कौन सा दांत अट्रैक्ट करता है, पहला वाला ऑब्वियसली। इसलिए हमारी कंपनी ने एक ऐसा टूथपेस्ट लाया है जिसका नाम है रेड टूथपेस्ट, और एक है हमारा फ्रेशोगार्ड टूथपेस्ट। तो सबसे पहले हम रेड टूथपेस्ट के ऊपर बात करेंगे। जिस तरीके से हमारे स्किन की एजिंग होती है, हमारे दांतों की भी एजिंग होती है। जब हम बूढ़े होने लगते हैं तो क्या होते हैं, दांत हमारे कम होने लगते हैं, हम दांत झड़ने लगते हैं, निकलने लगते हैं, तो हमारे दांतों की भी एजिंग होती है। ये एक ऐसा टूथपेस्ट बनाया गया है जो आपके दांत जो 7 तरीके से एज होते हैं उन सब पे काम करता है। क्या है वो 7 तरीके,
सबसे पहला है दांतों में सड़न होने लगती है, कैरीज होने लगते हैं, दांतों में कीड़े लगने लगते हैं, उसको उस पर लड़ता है। प्लेक जो बनता है, जो आप ये पीली पीली चीजें देख रहे हैं, ये बनने से रोकता है क्योंकि आगे चलकर बहुत सारी प्रॉब्लम को लेकर आता है। वही प्लेक जब मिनरलाइज्ड हो जाता है और ज्यादा सॉलिड हो जाता है तो उसको भी हटाने में मदद करता है, उस पर भी इफेक्ट करता है, उसको होने नहीं देता है। अगर मसूड़े आपके स्वेलिंग हो रही है, सूजन हो रही है, तो उस पर भी इफेक्टिव काम करता है। बहुत सारे लोगों को सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है तो वो भी होने नहीं देगा। अगर आप अभी से रेगुलर उसको यूज करते हैं तो आपके दांत ही नहीं खराब होंगे, तो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम जो है उसको भी हम कम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के धीरे धीरे आगे चलकर दांत की जो परत होती है वो हटने लगती है, इरोजन होने लगता है, तो उसको भी बचाता है। और बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम मैंने देखी है, मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो ये प्रोडक्ट जो है हमारा वो सेवन साइंस ऑफ गम एजिंग पे, आपके टीथ एजिंग पे काम करता है। इसमें यूनिक क्या है, याद रखिएगा, इसमें ट्राई मिनरल कॉम्प्लेक्स डाला गया है। ट्राई मिनरल मतलब हमारे जो दांतों की जो लेयर होती है वो मिनरल से बनी होती है। वो मिनरल जब कम हो जाते हैं तो आपके दांत कमजोर होने लगते हैं। तो ये क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, रीमिनरलाइजेशन में मदद करता है। ये रीमिनरलाइजेशन का मतलब क्या है, इधर आपके दांत दिख रहे हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, आपके दांतों को कमजोर करने लगते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी जो ऊपर की परत है वो हटने लगती है। लेकिन अगर हमारे टूथपेस्ट में कोई ऐसी चीज है जो आपके इस रीमिनरलाइजेशन को हेल्प करती है तो उसको हम फ्लोराइड कहते हैं। हमारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड हमने डाला है जो क्या करता है, अगर आपकी दांत की जो परत है वो हट रही है तो फ्लोराइड क्या करता है, उस दांतों की परत पे एक लेयर चढ़ा देता है जो ज्यादा रेजिस्टेंट हो जाता है और भी चीजें उसको डैमेज नहीं करती है। मतलब आपके दांत को रीमिनरलाइज करता है, आपके दांत की जो मिनरल्स कम हो रहे हैं उसको फिर से भरने में मदद करता है, उसको हेल्दी बनाने में मदद करता है। जो इसका एक यूनिक प्रॉपर्टी, आपके दांत अगर खराब हो रहे हैं तो उसको भी अच्छा रखने में मदद करता है, आपके मसूड़ों को भी स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें हमने बहुत सारी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है। इसमें हमने सुंठी, पिपली, काली मिर्च, ऐसी बहुत सारी चीजों का, हमने नेचुरल चीजों को यूज किया है। एक इंग्रेडिएंट जिस पे मैं आपको शेयर करूंगी वो क्या है, वो है क्लोव ऑयल, जिसको हम लौंग का तेल भी कहते हैं। क्लोव ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। दांतों में दर्द है, क्लोव ऑयल लगाने को बोला जाता था। क्लोव ऑयल जो है वो दांतों को सड़ने से बचाता है, आपके जो गम्स है, मसूड़े, उसको स्ट्रॉन्ग करता है, जो प्लेक और टाटर जम रहा है उसको रोकता है और जर्म से लड़ने में मदद करता है। मुंह से अच्छी स्मेल आती है, आपकी जो बदबू जो आती है मुंह से उसको खत्म करता है और दांतों पे जो दाग धब्बे है उसको भी हटाने में क्लोव ऑयल मदद करता है। यूनिक क्या है, इसमें हमने एक हर्बो स्पाइस फॉर्मूला डाला है जिससे क्या होता है, आपको बहुत देर तक अच्छा फील होता है। इसको आप कह सकते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक एक्सपीरियंस, मतलब आप दिन भर में ब्रश मत करिए, आपको शाम तक ना अच्छी फीलिंग नहीं आती है, मतलब आपको लगता है कि कुछ तो गंदा है। लेकिन जब आप अच्छे से इससे ब्रश करते हैं तो इसमें जो हर्ब्स डाले गए हैं, जो जड़ी बूटियां डाली गई है, वो क्या करती है, आपके सारे सेंसेस को अच्छा कर देती है। आपको फूड का टेस्ट अच्छा आता है, आपको स्मेल अच्छी आती है, मतलब आपके जो सारे सेंसेस है ना वो अच्छे हो जाते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है वो एक बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। इसमें बहुत यूनिक चीजें डाली गई है। एक इंपॉर्टेंट है, इसमें ह्यूमेक्टेंट भी डाला गया है। ह्यूमेक्टेंट को मैं आपको बेसिक से समझाती हूँ। ह्यूमेक्टेंट एक ऐसी चीज है जो नेचर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, नमी को एब्जॉर्ब करता है। हमारा जो मुंह होता है उसमें सलाइवा होता है, लार होता है, तो आपका जो लार है, सलाइवा है, वो अच्छे से बनता रहे और आपके मुंह का जो जो आपका क्वालिटी है, जो मुंह का ओरल म्यूकोसा है, उसको बचाने में, अच्छा रखने में मदद करता है। तो आपके मुंह की जो एनवायरमेंट है उसको अच्छा रखने में मदद करता है। क्या चीज आपको इसमें याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको इसमें याद रखना है, इसमें हमने ट्राई मिनरल्स डाला है जो दांतों की परत हट रही है उसको ठीक करने में मदद करता है। सेवन साइंस, जिस तरीके से आपके दांत सात तरीके से खराब हो रहे हैं, सातों साइंस पे ये काम करने में मदद करता है, उससे होने से हमें बचाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी की पूरे दांत सड़ गए तो आप बोलोगे इसको लगा लो वो ठीक हो जाएगा। ये सात जो साइंस होने वाले हैं उसको अगर आप अभी से लगाते हैं तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि मार्केट से हमारा प्रोडक्ट कैसे डिफरेंट है। याद रखिएगा, इसमें दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहले, हमारे जो ये रेड हर्बल पेस्ट में जो कलर आप देखते हैं ना, रेड कलर, मार्केट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें ये रेड कलर सिंथेटिक कलर डाला जाता है। हमारा जो ये रेड कलर है वो एक नेचुरल रेड आयुर्वेदिक मिनरल से निकाल मिनरल है, जिसको हम गैरिक या रेड ओकरा भी कहते हैं।
ये एक ऐसा पिगमेंट होता है जिसको रेड कलर देता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमने इसमें सिंथेटिक कलर यूज नहीं किया है, हमने एक नेचुरल चीज यूज किया जिससे ये रेड कलर आता है। दूसरी चीज अगर हम बात करें, रेड टूथपेस्ट जो है, रेड ये जो हर्बल पेस्ट है हमारा, ये आपको ज्यादा एंटी कैविटी प्रॉपर्टी देता है, मतलब आपके दांतों को सड़ने से रोकता है। इसका कंपैरिजन आप किससे कर सकते हैं, मार्केट में जो रेड पेस्ट है, मार्केट में भी एक रेड टूथपेस्ट आता है, वो उससे ज्यादा अच्छा आपको ये एंटी कैविटी ये प्रोटेक्ट करके देता है और आपके साथ जो साइंस है दांतों के सड़ने के, उससे आपको ये बचाता है। तो ये हमारा हर्बल टूथपेस्ट है। अब हम बात करते हैं अपने रेड टूथपेस्ट के बारे में, इसमें क्या खास है। इसमें हमने सिलिका डाला है, सिलिका जो होता है आपके दांतों को पॉलिश करता है और आपके दांतों पे एक चमक लेकर आता है। दूसरी चीज, हमने इसमें दो ऑयल डाले हैं, एक तो हमारा क्लोव ऑयल है जो लौंग का तेल जिसको आप कह सकते हैं, और एक हमारा पेपरमेंट ऑयल है। क्लोव ऑयल की अगर हम बात करें तो क्लोव ऑयल जो है आपको डेंटल थेरापेटिक एक्शन देता है, मतलब आपने बचपन में भी सुना होगा दांतों में दर्द है, एक काम करो लौंग का तेल लगा लो। तो लौंग का जो तेल है वो आपको एंटीसेप्टिक का तो काम करता ही है, दर्द को भी कंट्रोल करता है, मुंह में बैक्टीरिया जो है उसको भी मारने में मदद करता है, और लौंग का जो तेल है आपके दांतों को सड़ने से भी बचाता है। तो लौंग का तेल हजारों सालों से दांतों के लिए यूज किया जा रहा है। दूसरा हमने ऑयल डाला है जो पेपरमेंट ऑयल है, वो क्या करता है, जो आपके दांत दर्द करते हैं तो आपके जो वहां के मसूड़े हैं उसमें भी दर्द होता है, तो ये जो पेपरमेंट ऑयल है आपके जो मसल्स हैं उसको सूद करता है, उसको नंब करता है, मुंह के बैक्टीरिया को मारता है, और जो प्लेक पीलापन वगैरह जम रहा है उसको हटाता है, आपके दांतों को साफ करता है, और आपके मुंह से जो बदबू आ रही है उसको भी खत्म करता है। तो ये दो ऑयल भी हमने अपने प्रोडक्ट में डाला है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, मैंने अभी आपको बताया हमारा जो ये टूथपेस्ट है उसमें दो चीजें डाली गई हैं, एक है हमारा फ्लोराइड और एक है हमारा ट्राइक्लोजान। ये दो जो चीजें हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। क्यों? मैंने अभी आपको रेड टूथपेस्ट पे क्या बताया, मार्केट का जो डाबर का जो अगर रेड टूथपेस्ट की अगर हम बात करें उसमें फ्लोराइड नहीं है, जिसकी वजह से आपको हमारा टूथपेस्ट ज्यादा आपके दांतों को प्रोटेक्ट करता है कैविटी होने से। लेकिन अगर हम इस टूथपेस्ट की बात करें, इस जेल की बात करें, तो उसमें जो ट्राइक्लोजान है वो आपको ज्यादा फ्रेश आपको एक जो ब्रेथ है जो देता है, मतलब आपने सुना होगा मार्केट का एक क्लोजअप का एक जेल आता है, उससे ज्यादा फ्रेश ब्रेथ आपको ये हमारा रेड जेल देता है। क्यों? बिकॉज उसमें ट्राइक्लोजान है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, रेड टूथपेस्ट में हमारा फ्लोराइड है और इसमें हमारा फ्लोराइड और ट्राइक्लोजान दोनों है, जो आपके दांतों को भी प्रोटेक्ट करता है, प्लस एक आपको अच्छी खुशबू देता है, आपको एक अच्छा फ्रेश ब्रेथ देता है, मुझसे बदबू वगैरह को हटाने में मदद करता है। मार्केट के ब्रांड से ये हमारा डिफरेंस है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, हमारी कंपनी ने क्या किया है, जो हमारा आयुर्वेद है, जो हमारा ट्रेडिशन है उसको भी यूज किया है, प्लस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी यूज किया है। आयुर्वेद में अगर हम अपने ट्रेडिशन की बात करें तो हमेशा से क्लोव ऑयल, जो लौंग का तेल है वो यूज किया जाता है, तो हमने क्लोव ऑयल को यूज किया, अपने ट्रेडिशन को यूज किया, और प्लस हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हमने ट्राइक्लोजान, फ्लोराइड, नेचुरल, हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपने ट्रेडिशन के साथ मिलाकर ये ये जेल हमने बनाया है। ऐसा प्रोडक्ट आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, ये रेयर है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला हमारे हर एक प्रोडक्ट को यूनिक बनाया गया, मार्केट से डिफरेंट बनाया गया। अब ये फ्रेशोगार्ड तो हमने देख लिया, अब मैं आपको कुछ बेसिक चीजों के ऊपर बताने वाली हूँ। कुछ लोगों को लगेगा कि अरे ये क्या मैम बता रही है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ लोग उस पर ध्यान नहीं देते। सबसे पहला मिस्टेक हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो आधे टूथपेस्ट यूज किया ना उसको एक साल तक वही यूज करते हैं, जब तक उसके एक एक धागे नहीं निकल जाते तब तक उसको यूज करते हैं। 200 बार आपने कोई टूथपेस्ट को यूज किया, 3 महीने उसको फेंक दीजिए, पुराना टूथब्रश आपको यूज नहीं करना है। आपने 200 बार एक टूथब्रश को यूज किया उसके बाद फेंक दीजिए, क्योंकि उसके बाद वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं देता है। दूसरा हमने मिस्टेक क्या करते हैं, आपका जो टूथब्रश है उसके जो ब्रिशल्स हैं वो सॉफ्ट होने चाहिए। कुछ लोगों के बहुत ब्रिशल्स हार्ड होते हैं जो आपके दांतों पे असर करते हैं, तो वो सॉफ्ट ब्रिशल होना चाहिए जो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। तीसरी चीज क्या है, कभी भी टूथब्रश को आप बाथरूम में मत रखिए। आप फ्लश करते हैं, बहुत सारे कीटाणु आपके टूथब्रश पे आते हैं, अगर आपने उसको कवर नहीं किया है, या तो आप उसको कवर करके रखिए, रूम से बाहर रखिए, बाथरूम में रख रहे हैं सीट को क्लोज करके रखिए, तो ये चीज ध्यान देना है। चौथी चीज, बहुत सारे लोग पूरा भर भर के टूथपेस्ट यूज करते हैं, ऐसा आपको यूज नहीं करना है। आपको थोड़ा सा, मतलब आप कह सकते हैं उसको पिन साइज, मतलब पी साइज आपको लेना है, एकदम थोड़ा सा टूथपेस्ट आपको अपने टूथब्रश पे लेना है, जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं, एकदम थोड़ा सा लेना है, ज्यादा नहीं
नहीं करना, आपको ओवरडू नहीं करना है। ज्यादा लंबे समय तक ब्रश नहीं करते, बोला जाता है मिनिमम 2 मिनट तक ब्रश जरूर करिए, क्योंकि हमारे टूथपेस्ट में जो फ्लोराइड डाला गया है वो उस पर काम करता है और आपकी दांतों की जो परत है उसको बढ़ाने में मदद करता है। तो एटलीस्ट आपको 2 मिनट तक ये लगातार करना है। बहुत सारे लोग बैक टेक्निक यूज करते हैं, एक ही साइड उसको बहुत ज्यादा रब करते रहते हैं, धीरे धीरे यूज करना है और सर्कुलर मोशन में अपने दांतों को साफ करना है। तो ये चीज याद रखिएगा, दिन में 2 बार ब्रश करिए, सुबह शाम आप ब्रश कर सकते हैं, उससे ज्यादा ब्रश मत करिए, दांतों पे असर पड़ता है। और बहुत सारे लोग जो है फ्लॉस नहीं करते, एक डेंटल फ्लॉस मिलता है जो आप किसी भी शॉप पे, केमिस्ट शॉप पे आप जाएंगे, जिससे आपने ब्रश कर लिया, उस डेंटल फ्लॉस से धागे जैसी चीज होती है, आप दांतों में फंसा अंदर कोई चीज है तो वो आप निकाल सकते हैं। तो ये डेंटल फ्लॉस आप जरूर यूज करिए। और बहुत सारे लोग टंग क्लीनर नहीं यूज करते, टंग का ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि बहुत ज्यादा बैक्टीरिया उस पर जमना स्टार्ट हो जाते हैं। तो टंग क्लीन जरूर करिए सुबह शाम, क्योंकि अगर आप टंग क्लीन नहीं करते तो मुंह से बदबू आती है। तो अगर बात करें, ब्रशिंग करना एक खुद में एक बहुत बड़ी जरूरत है और दिन में 2 टाइम ये रिकमेंड किया जाता है, सुबह शाम आप ब्रश जरूर करिए। और अलग अलग तरीके, आप यूट्यूब पे जाएंगे आपको बहुत सारे ब्रश करने के आपको वीडियोज मिलेंगे, जिसमें आपको बताया जाता है कि जब भी ब्रश करिए आपको सर्कुलर मोशन में करना है और मिनिमम आपको 2 मिनट ब्रश जरूर करिए। 2 मिनट से ज्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 मिनट में आपने जो चीजें डाली है उसमें इंग्रीडियंट्स जो है फ्लोराइड वगैरह वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से आपको ये ब्रश पे आपको टूथपेस्ट देना है। ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको वीडियो इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि इसमें आपको एक तरीका बताया गया है कि किस तरीके से करना है, 45 डिग्री का एंगल बनाकर उस तरीके से सर्कुलर मोशन में आपको अपने हर एक दांत के ऊपर आपको ये इसको रिपीट करना है। बात करें माउथ वॉश आप यूज कर सकते हैं ब्रश करने के बाद। ये जो हमारा टूथपेस्ट है वो 6 साल के ऊपर के बच्चों को देना है, क्योंकि इसका जो मैंने आरडीए, अगर कोई आपसे पूछता है कि आपके टूथपेस्ट का आरडीए कितना है तो आप बता सकते हैं, जो हमारा रेड जो आपने टूथपेस्ट देखा उसका 80 है और जो हमारा जेल आपने देखा बाद में उसका आरडीए इज 90। तो और ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये जो आप यूज करते हैं तो आप एक डेंटल चेकअप भी करवाते रहिए, हर 6 महीने पे आपको डेंटिस्ट के पास जाना है। याद रखिएगा अपने ओरल हेल्थ में इन्वेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा ओरल हेल्थ खराब है तो हमारी बॉडी का हेल्थ खराब होगा ही, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह अंदर से जाते हैं। हेल्दी डाइट लेनी है उसके साथ तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये हमारा ओरल केयर का एक कंप्लीट सेटअप है जो आपको ये 2 प्रोडक्ट हम लेकर आते हैं। जिन्होंने अभी तक इस प्रोडक्ट को नहीं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट किसी आपको ई कॉमर्स साइट से नहीं खरीदना है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदे, जिन्होंने भी आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताया है वो इंडिया शॉपिंग के आप जाके आप वहाँ के आउटलेट से ये सारे प्रोडक्ट्स आप बाय कर सकते हैं। तो जैसा आपने देखा माय फ्रेंड, हमारे हर एक प्रोडक्ट को यूनिक बनाया गया है, इसलिए जो भी पर्सनल केयर की ट्रेनिंग होती है आप सबको जरूर अटेंड करिएगा, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, अपने हर एक प्रोडक्ट की यूनिकनेस के बारे में आपको पता चलेगा।